Hello dear students, this is your video lecture number 4. Now in this lecture we will discuss atom and molecules. What are atom? You know that atom is the smallest particle of an element which may or may not be capable of independent existence. By atom वो छोटे से छोटा कण होता है जो अकेला रह भी सकता है या नहीं भी रह सकता. तो इसको डाल्टन्स थ्योरी है जो एक उसमें पढ़ेंगे. डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में जब पढ़ोगे तो आप सीख पाओगे इस चीज़ को. वैसे मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं बच्चों. एटम कंसिस्ट 35 टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. दे मे बी प्रोटोन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन. 3 आर फंडामेंटल. एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स कितने हैं? 3, यानी प्रोटोन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन. बट बोसोन, मीजोन, एक्सोन, लेप्टोन, अल्फा, बीटा, गामा, ये सारे क्या हैं इसके अंदर और ज़्यादा क्या होते हैं? दे मे बी देर आर मैनी और लार्ज नंबर ऑफ सब अटोमिक पार्टिकल्स एंड देर आर टोटल 35 सब अटोमिक पार्टिकल विच कैन मेक एन एटम. चलिए अभी डिस्कस करते हैं. कुछ एग्जाम्पल हमारे पास हैं. जैसे एटम हमारे भाई जो एग्जिस्ट करते हैं ना वो क्या है, कुछ फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, कुछ फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते. जैसे मैं बताऊं आयरन, कॉपर, गोल्ड, ये तो क्या हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं फ्रीली. लेकिन हाइड्रोजन एटम आपने देखा कभी H लिखा हुआ नहीं, ये क्या है, H2 होता है, O2 होता है, N2 होता है, यानी ये हमारे क्या हैं, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते. तो एक उसके बाद डेफिनेशन हमारी आती है मोलिक्यूल की. वट इज़ मोलिक्यूल? मोलिक्यूल क्या होता है? एटम तो परमाणु होता है, परम जमा में अणु, परम बहुत छोटा अणु, अणु भाई, ठीक है. और मॉलिक्यूल के क्या होता है, अणु, यानी ए मॉलिक्यूल इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल. उसमें तो क्या था कि वो फ्री रह भी सकता है, अकेला रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता. लेकिन इसमें क्या है, एलिमेंट का वो छोटे से छोटा कण जो कि एग्जिस्ट कर सकता फ्रीली. ये डिफरेंस होता है दोनों में. मॉलिक्यूल फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है जबकि एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता, नॉट बी, अंडरस्टैंड. उसके बाद चलिए फैक्टर नेक्स्ट हमारा आता है इसके अंदर. अब कुछ एग्जांपल्स हमारे पास हैं मॉलिक्यूल के, जो कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कैन एग्जिस्ट फ्रीली. सिमिलरली मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड सच दो जो वाटर, अमोनिया, ये हमारे क्या हैं, एग्जिस्ट करते हैं. दस मॉलिक्यूल में भी क्लासीफाइड 2 कैटेगरीज, दो कैटेगरी बना दी भाई मॉलिक्यूल की भी. मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. कंपाउंड कैसे बनते हैं मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक है ना. और एटम कैसे बनते हैं, एटम हमारे जनरली. अब देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है इसके अंदर, नेक्स्ट टॉपिक इज सिंपली अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, फिजिक्स एज वेल एज फॉर केमिस्ट्री. दोनों में ये टॉपिक आता है, फिजिक्स में जो है ना 11th क्लास की यूनिट नंबर 2 में, जबकि केमिस्ट्री में हमारा ये टॉपिक इसी चैप्टर में और इसके बाद ही आता है. जो कि नोट्स जो आपको फॉरवर्ड किए गए थे उनमें ये टॉपिक नहीं लिखा हुआ था भाई, वो जो नोट्स थे वो काफ़ी पुराने थे और वो पेज कहीं गायब हो चुके थे उनके, इसलिए आप इसमें से करें और लिखें उसको दोबारा से, अंडरस्टैंड. चलिए टॉपिक इज़ वेरी सिंपल, सिग्निफिकेंट फिगर्स. क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर? टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. लेट वी हैव टेक ए रोड. हमने क्या ले लिया, एक रोड हमारे पास है जिसकी लेंथ कितनी है बच्चों, 24.2 सेंटीमीटर है. अब इसके अंदर क्या है, 24.2 का मतलब इसमें दो तरह के डिजिट हैं बच्चों, देखो ध्यान से. वे 24 तो क्या है, एक्यूरेट डिजिट है, मतलब एक्यूरेट डिजिट है, सॉरी एक्यूरेट मतलब सही अक्षर है, इसको तो हम छोड़ नहीं सकते. जबकि 0.2 है ना, 0.2 ये डाउटफुल डिजिट हमारा कहलाता है. डाउटफुल मतलब अनसर्टेन भी बोल सकते हो, मतलब इस पे कुछ डाउट है कि ये आएगा या नहीं आएगा, इसके पीछे कुछ और भी दे दिया तो उसके पीछे सब डाउट स्टार्ट हो जाएंगे. तो यही हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होता है. व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर? सिग्निफिकेंट फिगर आर एक्यूरेट डिजिट्स प्लस ऑल डाउटफुल डिजिट्स, यानी कितने एक्यूरेट डिजिट हैं और उनमें कितने डाउटफुल डिजिट हमारे लिए गए हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर. सो इफ़ यू टॉक अबाउट 24.2, देर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. 24 भी होगा और 2 भी होगा भाई, ठीक है. ये कंडीशन होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे इसमें. चलिए नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. द टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन ए नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज अनसर्टेन और डाउटफुल इज कॉल्ड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. ऊपर बताया गया आपको कि किसी भी
संख्या में कितने अक्षर हैं, वो सारे अक्षर जो कि सर्टेन हैं, और लास्ट में जो अनसर्टेन हमारे वो भी, उनके सभी को जोड़ के हम सिग्निफिकेंट फिगर बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 14.5678 ग्राम, देर आर सिक्स सिग्निफिकेंट फिगर, सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे भाई। नीचे वाला 2.5, उसमें टू सिग्निफिकेंट फिगर हैं। चलिए कुछ रूल्स इनके होते हैं, वो रूल आप पढ़ोगे तो ही समझ पाओगे इन रूल्स के बारे में। रूल पढ़ने के बाद ही समझ पाओगे कैलकुलेशन इनकी। और ये टॉपिक बहुत ही सिंपल टॉपिक है और काफ़ी बड़ा टॉपिक है, बिकॉज सिंपली आप जो नंबर संख्याएं लेंगे ना, उसके बाद एडिशन और सब्सट्रैक्शन करके भी आपको लेना पड़ता है। उसके अंदर एडिशन करोगे, सब्सट्रैक्शन करोगे और मल्टीप्लाई और डिवीज़न सब करोगे तो भी आपको इसमें करना पड़ेगा, तो समझ पाओगे आप इसको। चलिए रूल नंबर फर्स्ट, वट इज सैड रूल नंबर फर्स्ट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी जितने भी नॉन जीरो डिजिट मेरे पास होंगे सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। बच्चों जीरो नहीं आना चाहिए भाई, कंडीशन ये है। देखो फर्स्ट एग्जांपल मेरा क्या कहता, 3.144, इसके अंदर चार सिग्निफिकेंट फिगर, सारे के सारे सिग्निफिकेंट है बच्चों। 2.123, इसमें भी चार सिग्निफिकेंट फिगर। 3.1, इसमें कितने, टू सिग्निफिकेंट फिगर। समझ गए ना रूल नंबर फर्स्ट। चलिए रूल नंबर सेकंड क्या कहता है ये देखिए एक बार। रूल नंबर टू क्या कहता है, ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो। भाई नॉन जीरो के बीच में जो भी जीरो होंगी ना, वो भी सिग्निफिकेंट मानी जाएंगी। जैसे मेरे पास 4 और 3 हैं, इनके बीच में जीरो है, नॉन जीरो डिजिट है ना, उनके बीच में जीरो बेशक हो, बेशक से हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें भी क्या है, 3 हमारे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते हैं यहाँ पे। समझ गए ना आप इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट पोर्शन है यहाँ पे, देखिए एग्जाम्पल देखिए। 2.001, यहाँ पे कितने होंगे बच्चे, 4 होंगे ना, क्योंकि नॉन जीरो है, दोनों के दोनों 1 और 2, उनके बीच में जीरो हैं, तो वो भी हमारे सिग्निफिकेंट फिगर माने जाएंगे। चलिए आगे चलिए, थर्ड रूल क्या कहता है बच्चों। इस सेकंड रूल में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है भाई, क्या बोला है, टू नॉन जीरो डिजिट या सिग्निफिकेंट डिजिट हो भाई, चाहे जीरो भी हो बेशक। यानी आगे रूल आएगा एक, उसमें बताऊँगा आपको मैं। इसने बोला कि दो नॉन जीरो के बीच में जो भी जीरो होंगी वो सिग्निफिकेंट होंगी, और दो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में जो जीरो होगी वो भी सिग्निफिकेंट होगी। आगे समझोगे इस चीज़ को। रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, एंडिंग जीरो, जो लास्ट में जीरो आती हैं, अगर वो डेसिमल के बाद है और एंड पे है तो वो सिग्निफिकेंट होगी। बच्चों देखिए, अगर एंडिंग जीरो में डेसिमल के बाद जीरो है और वो लास्ट में जीरो है तो सिग्निफिकेंट मानी जाएगी। एग्जाम्पल देख लेना एक बार, 2.40, इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर हैं। क्यों भाई, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो, देखो पॉइंट के बाद जीरो है ये, और लास्ट में जीरो आई हुई है 4 के बाद, इसका मतलब ये भी क्या होगी, सिग्निफिकेंट होगी। अंडरस्टैंड। आगे चलिए, वन मोर एग्जांपल फॉर यू, दिस एग्जांपल, व्हाट सेज दिस एग्जांपल, 3.000, इट मींस, ध्यान से देखें, इस एग्जांपल में क्या है, लास्ट में जीरो है, इसका मतलब वो सिग्निफिकेंट है, लेकिन अब की बार ध्यान से देखें, अब तीन और, अब देखो बताता हूँ आपको मैं, ये फर्स्ट में जो 3 है ये तो क्या है, नॉन जीरो है, लेकिन ये लास्ट की 0 भी तो अब की बार सिग्निफिकेंट हो गई बच्चों। क्यों, क्योंकि मैंने बता रखा है आपको, डेसिमल के बाद जो लास्ट में 0 होगी सिग्निफिकेंट होगी। और उस रूल पे जाओ अब, जो मैंने पीछे बताया था, ये देखो ये पोर्शन, कि दो सिग्निफिकेंट डिजिट हो गई अब अपने, एक तो 3 और एक ये लास्ट की 0, तो इनके बीच में जो 2 0 है ना, ये भी सिग्निफिकेंट होंगी। देखो आई रिपीट, क्या बोला मैंने, कि जब भी हमारे पास ये क्या है, दो, ये बोला गया है इसके अंदर कि नॉन जीरो के बीच में जीरो तो भाई क्या है, सिग्निफिकेंट है ही है, लेकिन यहाँ पे ये 3 है ना, ये 3, ये भी सिग्निफिकेंट है, और ये 0 इस रूल के अनुसार, जो मैंने थर्ड रूल बताया, एंडिंग में 0 है, डेसिमल के बाद है, तो यानी फर्स्ट और लास्ट जो डिजिट हमारे सिग्निफिकेंट हो गए, तो बीच वाला भी सिग्निफिकेंट होगा चाहे कुछ भी हो। समझ गए ना, इसलिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 4, कितने हो गए भाई, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। समझ गए होगे बिल्कुल। वन मोर एग्जांपल, 2.300, इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं, ये भी सेम हो गया हमारा, 4 ही इसमें है। एक एग्जांपल लेके चलो बच्चों, अब 420, इसके एग्जांपल के अंदर आप ध्यान से देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, क्या लास्ट वाली 0 सिग्निफिकेंट होगी, तो क्वेश्चन है क्या लास्ट वाली 0 सिग्निफिकेंट होगी, तो नहीं। क्यों, क्योंकि ये डेसिमल के बाद तो है ही नहीं ना, इसलिए लास्ट की 0 हमारी सिग्निफिकेंट नहीं होगी। दैट मीन्स देर आर ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 और 2। समझ गए ना, 4 और 2। अगला रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या कहता है बच्चों, इनिशियल जीरोज, इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग, शुरू की जो 0 हों सिग्निफिकेंट होएंगी नहीं भाई। ये रूल तो सिंपल है बड़ा ही,
शुरू में जो भी जीरो आएंगी सिग्निफिकेंट मानी नहीं जाएंगी। जैसे ये एग्जांपल मेरे पास है 0.0042, तो यहाँ पे सारी जीरो कैंसिल कर दो भाई, सिग्निफिकेंट है ही नहीं, तो ओनली टू सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट हमारा क्या है 0.1020, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ध्यान से देखना इसको एक बार, पहले वाली जीरो तो होगी नहीं है ना, और लास्ट वाली जीरो इसमें क्या है, अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, ये चार हो गए हमारे पास जनरली, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, चार। क्यों भाई बच्चों, क्योंकि लास्ट की जीरो भी अब की बारी क्या मानी जाएगी, ध्यान से देखो, डेसिमल के बाद तो है ही ना, और लास्ट जीरो है तो सिग्निफिकेंट है, तो बीच में जो भी हमारे वो सिग्निफिकेंट होंगे, इसलिए फोर सिग्निफिकेंट फिगर। रूल नंबर फाइव क्या कहता, पावर ऑफ टेन, अगर टेन की पावर कोई भी है तो वो सिग्निफिकेंट होगी नहीं, पावर को देखना ही मत आप, सिग्निफिकेंट कहाँ से होगी, है ही नहीं वो बिल्कुल भी। फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं इसके अंदर, जैसे 2.4×10^6, इसमें इसको काट दो आप, पावर है ही नहीं इसमें, पावर सिग्निफिकेंट होती नहीं, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ओनली टू। वन मोर एग्जाम्पल 3.0 में बच्चों कितने हैं, पॉइंट के बाद जीरो है और लास्ट में जीरो डेसिमल में मानी जाती है, 10^2 है ही नहीं, लेनी नहीं आपने इस रूल के अनुसार। रूल नंबर सिक्स भी है एक, वैसे तो रूल है नहीं ये, बना दिया, बट इस रूल के अंदर क्या है, अगर कोई प्योर नंबर है या कॉन्स्टेंट है तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। क्या बोला मैंने, इफ़ देयर इज एनी प्योर नंबर और कॉन्स्टेंट दैट ऑलवेज हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्यों ऐसा है, देखो बच्चों एक बार बताता हूँ आपको मैं, जैसे एवोगैड्रो नंबर, अब सिग्निफिकेंट फिगर तो हम डाउटफुल डिजिट के आधार पर बना रहे हैं ना, लेकिन ये तो क्या है, एवोगैड्रो नंबर तो फिक्स है भाई, वैल्यू उसकी कांस्टेंट है, वो तो 6.02×10^23, इसलिए उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ठीक है 1.5, तो ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट, फिक्स है भाई। स्पीड ऑफ लाइट 3×10^8, इसलिए इसमें भी क्या है, इनफाइनाइट होंगे। पाई इज इक्वल टू 22/7, इसमें भी क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। 6 बनानाज, इसमें भी क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तो बच्चों आपके लिए कुछ होमवर्क है, आप उसको करना, ये आपको मैंने दिए हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस, इनका सॉल्यूशन आप मेरे को भेजना, तब मैं आपको इसके आगे रूल बताता हूँ। देखिए इसके इतने ही रूल थे, जो अगला टॉपिक है इसकी राउंडिंग ऑफ वैल्यू के आधार पर हमें निकालना पड़ेगा भाई, क्या निकालना पड़ेगा, राउंडिंग ऑफ वैल्यू के आधार पर हम निकाल लेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, जिसमें क्या होगा, राउंडिंग ऑफ निकालना सीखेंगे, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और फिर एडिशन और सब्सट्रैक्शन के आधार पर ही हम इसको सोल्व करेंगे। तो आपके लिए होमवर्क यही है, ये 10 क्वेश्चन आप को सोल्व करके मेरे पास सेंड करने हैं, तो ये 10 क्वेश्चन को नोट करो और इनको सोल्व करके बताओ हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर इन दीज 10 क्वेश्चन, तभी हम आगे इस टॉपिक को और करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।